कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसके बाद रेल रूट पर यातायात प्रभावित हुआ। कानपुर सेंट्रल और भीमसेन स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। यात्रियों को कानपुर ले जाने के लिए प्रशासन ने फौरन बसों का इंतजाम किया। बड़े बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये दुर्घटना है या कुछ और। ऐसा इसलिए क्योंकि खुफिया एजेंसियों को साजिश की बुआ रही है। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक साबरमती ट्रेन के ड्राइवर ने बड़ा बोल्डर इंजन से टकराने की बात कही है, जिससे इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। नॉर्दर्न रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही इस हादसे के बाद हावड़ा दिल्ली रूट पर कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, साबरमती एक्सप्रेस इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराकर पटरी से उतर गया। जोरदार प्रहार के कुछ गहरे निशान देखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। यात्रियों की आगे की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन का इंतजाम किया गया है।